शहडोल की कलेक्टर अनुभा श्रीवास्तव इन दिनों फिर से विवादों के घेरे में हैं। अनुभा श्रीवास्तव के बारे में यह कहा जाता है कि विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने व्हाट्सएप पर एक मैसेज दिया था अपने डिप्टी कलेक्टर को, जिसमें उन्होंने यह कहा था कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और कांग्रेस हार जाएगी। यह पूरा मामला बाहर आने पर काफ़ी हल्ला मचा था और इसके बाद अब गणतंत्र दिवस पर कलेक्टर अनुभा श्रीवास्तव एक ऐसी साड़ी पहनकर आई जिसमें कमल के फूल बने हुए थे। कलेक्टर साहिबा की यह साड़ी जिस पर कमल के फूल बने थे, कांग्रेसियों को रास नहीं आई। उन्होंने फिर से इस मामले को उठाया और यह कहा कि इस साड़ी की शिकायत वे मुख्यमंत्री कमलनाथ से करेंगे। कुल मिलाकर अनुभा श्रीवास्तव के बारे में यह कहा जा रहा है कि उन्होंने पहले जब व्हाट्सएप पर मैसेज दिया था वह भी चर्चा का विषय बना और हाल ही में कमल के फूल वाली साड़ी भी चर्चा का विषय बन रही है। इस तरह से देखने वाली बात यही है कि अनुभा श्रीवास्तव कांग्रेसियों के निशाने पर आ गई है। लेकिन कांग्रेसियों को भी सोचना चाहिए कि साड़ी किसी भी रंग की पहने और उस पर कोई भी निशान हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। सरकार तो कमलनाथ की बन ही गई है। नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे घमासान से जुड़ी हर ताज़ा अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचें।